के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पठानकोट मामले की जांच के लिए एनआई की टीम पाकिस्तान जाने को तैयार, पाकिस्तान की लिखित मंजूरी का इंतजार। विजय माल्या को छोटा राजन के तर्ज पर गिरफ्तार करने की तैयारी, ईडी ले सकता है इंटरपोल की मदद। गैर जमानती वारंट के बाद रेड कॉर्नर नोटिस का रास्ता साफ। हंदवाड़ा छेड़छाड़ मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा। नगरपालिका ने सेना के विरोध के बावजूद 3 बंकर हटाए। पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर लाया गया किरपाल सिंह का शव, कोट लखपत जेल में पिछले 25 साल से काट रहे थे सजा, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। और दिल्ली सरकार ने प्राइवेट टैक्सी कंपनियां ओला और उबर पर कसा शिकंजा, 18 टैक्सियों को किया जब्त, मनमाना किराया वसूलने का आरोप। ने कटरा में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां से उन्होंने श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित खेल परिसर का उद्घाटन किया। इसी मंच से उन्होंने श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा देश और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रयास करते रहे। मुफ्ती साहब की गैरहाजिरी हम महसूस करते हैं। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा सार्वजनिक जीवन में, और जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ एक बात उनके दिमाग में रहती थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना, एक बात उनके दिल में रहा करती थी, जम्मू और श्रीनगर के बीच में भी कभी जो दूरी महसूस होती है उस दूरी को भी मिटा देना। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें वाजपेयी जी के सपने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत को आगे लेकर जाना है और उसमें सबका साथ सबका विकास का रंग भरना है। जब मुफ्ती साहब थे 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर की जिंदगी को बदलने के लिए लगाना है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ सबका विकास का रंग भर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कई इलाकों में जोड़ने के लिए रेल और सड़क का काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, टूरिज्म के लिए आवश्यक सुविधाएं सामान्य मानव के लिए तैयार हो। रेल का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है, उसका बहुत सुखद परिणाम आने वाले दिनों में मिलने वाला है। रोड, जम्मू से श्रीनगर जाने का समय आधा कर देने के इरादे से नए रोड बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपनाने पर भी जोर दिया। भारत ने दुनिया में योगा पहुंचाया है, अब तो यूनाइटेड नेशन भी 21 जून को योग दिवस मनाता है। पिछले वर्ष दुनिया के 193 कंट्रीज ने योगा का उत्सव मनाया। होलिस्टिक हेल्थ केयर में जिसका विश्वास है वे आज
योगा की तरफ मुड़ चुके हैं। हमने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, और सिर्फ हेल्दी नहीं, वेलनेस के लिए भी योगा का अपना योगदान है। प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह में कहा कि जीवन में खेल नहीं है तो खिलना भी असंभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट केवल खेल में ही नहीं बल्कि जीवन में भी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करें, कुछ अलग तरीके से करें, तो हम तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं भाई, उसमें तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो अपनेपन का भाव, किसी के लिए कुछ छोड़ने का इरादा, किसी को साथ लेकर चलने का इरादा, कंधे से कंधा मिलाकर के विजय प्राप्त करने का हौसला, कदम से कदम मिलाकर के चलने के इरादे, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने आप उजागर होते हैं। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है वो सिर्फ स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देगा ऐसा नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ावा देगा जो जीवन के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जीवन को एक ताकत देने का काम करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2017 में फीफा अंडर 17 की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फीफा वर्ल्ड कप देश के नौजवानों में नई ताकत और हौसला बुलंद करेगा। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का भारत में होने जा रहा है। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के नौजवानों में आने वाले दिनों में एक नया ताकत भरने वाला, नया हौसला बुलंद करने वाला अवसर बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग खिलाड़ी आएंगे हमारे यहां। फुटबॉल में हम कोई अच्छी स्थिति में नहीं, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खेल को जिस प्रकार से गले लगाएं, दुनिया अनुभव करे हिंदुस्तान की विविधताओं के, हिंदुस्तान की युवा शक्ति का, हिंदुस्तान के सामर्थ्य का, ऐसा माहौल बनाने में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कोई न कोई भूमिका अदा करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।